एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेसेस की गिनती में आती हैं। शायद ही कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि सुष्मिता सेन को कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। सुष्मिता सेन ने बीते दिन गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इस बात का जिक्र किया। सुष्मिता ने लिखा, मुझे कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्टेंट अपनी जगह पर है और सबसे जरूरी, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि मेरे पास बड़ा दिल है। इसके बाद सुष्मिता ने अपने शुभचिंतकों को शुक्रिया भी कहा। ऐसे में सवाल उठता है कि आजकल हार्ट अटैक इतना सामान्य क्यों हो गया है और फिट लोगों को भी दिल का दौरा क्यों पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन वजहों के बारे में जिसके कारण फिट होने पर भी आज के युवा हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें। सबसे प्रमुख कारण है तनावपूर्ण जीवन। शारीरिक रूप से फिट रहने के बावजूद भी यदि आप स्ट्रेस से घिरे रहते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। तनाव या चिंता सेहत को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि इस तनाव से मुक्ति पा ली जाए। एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन आदि तनाव दूर करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। अन्य कारण है इंटेंस वर्कआउट। एक्सरसाइज करने से सेहत दुरुस्त रहती है और व्यक्ति फिट भी रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कई दिक्कतों की वजह भी बन सकता है। दिन में 150 मिनट तक मॉडरेट एक्सरसाइज करना पर्याप्त होता है, जिससे दिल की सेहत बनी रहती है। इससे ज़्यादा एक्सरसाइज की जाए तो हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से युवा जिम में हैवी एक्सरसाइज करते हैं और अचानक हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज हार्ट के लिए ठीक नहीं है। अगला कारण है अनियंत्रित खानपान। खानपान में शुगर, एनिमल फैट्स, प्रोसेस्ड फूड्स और ट्रांस फैट जरूरत से ज़्यादा होने पर दिल के रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। ये फूड्स कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की भी वजह बनते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं। इनसे बेहतर अपने खानपान में फल, सब्जियाँ, फाइबर और हेल्दी ऑयल्स को शामिल करना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। खानपान जितना प्राकृतिक होगा स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी को दिल का दौरा पड़ा हो तो आपको भी दिल का दौरा पड़ने की संभावना हो सकती है। हार्ट अटैक जैसी चीज़ों में फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है। अगर आपके परिवार में किसी को दिल का दौरा पड़ा होगा तो संभावना है कि आपको भी दिल का दौरा पड़ सकता है। खासकर अगर आपके भाई, बहन, पिता, माँ या दादा आदि को दिल का दौरा पड़ा हो तो इसका रिस्क ज़्यादातर 50 की उम्र के बाद बढ़ जाता है। अगर आपके परिवार में भी किसी को दिल का दौरा पड़ा हो तो आप भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बीते 2 सालों में हमने कई सितारों को सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से खो दिया है। फिर चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर दीपेश भान, राजू श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार सोबती और सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी, सभी ने अपनी जान इसी हार्ट अटैक के कारण गंवा दी, जो फिट रहने के लिए दिन रात जिम में पसीना बहाया करते थे। वैसे हैरानी की बात तो ये है कि इनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, सब 40 से 50 साल के बीच के ही थे। वहीं सुष्मिता सेन, जिन्हें भी हाल ही में दिल का दौरा पड़ा है, उनकी भी उम्र 47 साल है। लेकिन क्या उनकी इस स्थिति का कारण जिम है या फिर उनको परिवार और काम की चिंता सताई जा रही है। फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन को 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना नॉर्मल बात नहीं है। दरअसल सुष्मिता सेन अपनी हेल्थ को लेकर चौकन्ना रहती हैं, इसके बावजूद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अब यह सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को भी हार्ट अटैक का खतरा उतना ही है जितना पुरुषों को है। आमतौर पर माना जाता है कि 50 से पहले महिलाओं में दिल से संबंधित बीमारियां कम होती हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि एस्ट्रोजन लेवल की कमी आने के बाद यह खतरा महिला और पुरुषों में समान हो जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो जाता है। चाहे पुरुष हो या महिला, हार्ट अटैक के लिए गलत खानपान और गलत लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार होता है। लेकिन कुछ चीज़ें महिलाओं को हार्ट अटैक से पुरुषों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षा कवर करती हैं।
यंग महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन का स्तर ज्यादा होने के कारण कुछ हद तक हार्ट से संबंधित दिक्कतों से उन्हें सुरक्षा मिलती रहती है, लेकिन एस्ट्रोजन का स्तर कम होने के बाद महिलाओं को भी उतना ही हार्ट अटैक का खतरा रहता है जितना पुरुषों को रहता है। हार्ट अटैक के लिए मुख्य रूप से गलत खानपान, गतिहीन जीवन शैली, डायबिटीज, बीपी, स्ट्रेस जिम्मेदार हो सकते हैं। इनमें फास्ट फूड, जंक फूड और स्मोकिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा उतना असर नहीं करती, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाए तो यह भी हार्ट डिजीज के जोखिम को बढ़ा देता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्ट डिजीज से सुरक्षा प्रदान तो करता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है। मेनोपॉज के बाद तो यह और भी कम हो जाता है। इस लिहाज से किसी महिला को हार्ट डिजीज का उतना ही खतरा होता है जितना पुरुषों को। सुष्मिता सेन के मामले में क्या कारण रहा होगा यह तो हम नहीं जानते, लेकिन स्ट्रेस हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। स्ट्रेसफुल लाइफ होने पर यंग एज में भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि हमें नहीं पता कि सुष्मिता सेन स्ट्रेस ले रही थी या नहीं, लेकिन स्ट्रेस हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण होता है। ज़्यादा तनाव की स्थिति में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोन बढ़ता है तो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल से बने फ्लैग का रप्चर होना शुरू हो जाता है। इससे खून में क्लॉट बन सकता है और इस कारण तुरंत हार्ट अटैक आ सकता है। माना जाता है कि अगर सही से एक्सरसाइज की जाए तो हार्ट अटैक का खतरा टला रहता है। एक्सरसाइज अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो खून में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स यानी नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल आदि की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का मतलब है कि खून में सूजन को बढ़ाने वाले कंपाउंड की मात्रा का बढ़ जाना। ज़्यादा एक्सरसाइज से कैटाकोलामाइंस कॉर्टिसोल का स्तर भी बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में पहले से फ्लैग जमा रहता है वह फटने लगता है। धमनियों से फ्लैग जैसे ही फटकर बाहर निकलता है उसमें खून का क्लॉट यानी थक्का बनने लगता है। इससे तुरंत हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कर बताएं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।